स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट पहली बारी देश में हरियाणा में शुरू हुआ है और ये मॉडल जो यहाँ पे बनेगा और इसको सारे पूरे देश में इसमें लागू किया जाएगा। सर, इसमें जो हरियाणा ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसमें फर्स्ट फेज में 4 ब्लॉक्स लिए जा रहे हैं, उसमें सिरसा भी शामिल है और सिरसा में ये 27th को पहला कैंप होगा, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फेज जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सभी फैमिलीज़ को एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है जिससे कि ये राशन कार्ड, नया राशन कार्ड बनेगा। कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक कैंप का आयोजन किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म देंगे उसके बाद कुछ दिनों बाद, और इस कैंप में सभी सदस्यों को, मेंबर्स को और पूरी फैमिली को जाना पड़ेगा और उसमें उनकी जो फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान और आंख की पुतली के निशान लिए जाएंगे, मैपिंग की जाएगी, जिसके आधार पे ये स्मार्ट कार्ड इशू होगा, दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक नंबर, UID नंबर जिसको कहते हैं आधार नंबर, जो एक हरेक व्यक्ति का अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पहचान का नंबर है। पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति को एक ही नंबर मिलेगा और सभी भारतवासियों को जो मिलना है, तो इस आधार नंबर का भी इसी एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा ही जनरेट होगा, दिया जाएगा। ये एक पूरे भारतवर्ष में पहली बार ये स्कीम लागू की जा रही है जिसका नाम है स्मार्ट कार्ड राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पे जो राशन है अब जो नॉर्मल कार्ड पे मिलता रहा है उसके बजाय अब एक स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है, जो कि एक प्लास्टिक कार्ड है ATM कार्ड की तरह, और इसमें जब राशन दिया जाएगा एक मशीन और कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें कि जो बेनिफिशियरी है, जो राशन लेने जाता है, उसके फिंगरप्रिंट से पहले ये आइडेंटिफिकेशन होगी और फिर राशन इशू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सही मात्रा में सही व्यक्ति को और सही दाम पे राशन मिले, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं इस सिस्टम में। तो ये उम्मीद है कि इस नए प्रोजेक्ट में ये हम हासिल कर पाएंगे। ये सारे कंप्यूटर से भी लोग होने चाहिए जितने मशीन के साथ आते हैं। नहीं, वो तो इनके सर्टिफाइड विद UID, इनके तो फॉर्मल प्रोसीजर है और तब तक नहीं कर सकते। एवरी पर्सन इज रजिस्टर्ड, देन द कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड, देन द स्कूल वुड बी द बेटर वेन्यू, स्कूल विल बी बेस्ट क्योंकि फर्नीचर विल बी अवेलेबल, लाइट थोड़ी बहुत होती है, जनरेटर के पास तो क्या है, देयर इज नथिंग मच, पानी वानी वहाँ उपलब्ध होता ही है, वो कर भी लेंगे। कि जो बैनर है, पोस्टर्स हैं और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, में देगा जी, और ये आज ही दे दो। क्या है ना जी,